इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवनचरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जी आहे. एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? एक था ना मुंबई की तरफ का, जिला नासिक का, गेरुई कपड़े पहनता है अक्सरियती फिरके का, नऊज़ु बिल्लाह माअज़ अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी करी. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी करी. बहुत हमें दुख है, बहुत दुख है, बहुत सदमा है कि क्या वक्त आ गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं. उसके खिलाफ कार्रवाई की, FIR हुई, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं. ये राजनीति है, सियासत है, दो फिरकों को बांटना, झगड़े कराना, इश्तेआल फैलाना, नफरतें फैलाना. वो जानते वो भी हैं कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है, जानते वो भी हैं. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में के बारे में वो जो इतराज़ कर रहा है 1450 साल पहले, तो उस ज़माने के लोग नहीं जानते थे क्या? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलत बात सरज़द हो सकती? नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती. लेकिन आजकल ये सियासत है. हम तो यही मुतालबा करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, NSA लगाया जाए. अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है. अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी. जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है. कोई भी मुकद्दस मजहबी शख्सियत हो, कोई भी, किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की, कानून बनना चाहिए कि किसी के बारे में भी कोई उसका अपमान ना करे, तौहीन ना करे. ना हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है. मजहब इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है. मजहब इस्लाम ने मना किया है, खबरदार किसी दूसरे मजहब वाले को कुछ ना बोलो. हमारा मजहब साफ सुथरा मजहब है. अल्लाह का शुक्र है कि मजहब इस्लाम को कोई खतरा नहीं है. लेकिन ये जो लोग सियासत कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान का माहौल खराब होता है. हम इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं. हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है. भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं. अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ. जब हर घर बने बिरयानी, तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद. कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला. लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद. आज ही ले आइए नूरी के मसाले. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में वफ अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया गया. किरण रिजिजू ने जिस तरह से बिल को पेश किया और उसके बाद से लेकर के अभी तक वफ संशोधन बिल की बात की जा रही है, चाहे सियासी सामाजिक मिल्ली तंजीमें हों या इनफरादी तौर पर यानी इंडिविजुअल तौर पर नेताओं के बयानात हों, तमाम सामने आ रहे हैं. और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम कुछ ही देर में अपना एक बयान करने जा रहे हैं वफ अमेंडमेंट बिल को लेकर के. अलावा उसके जो कुछ इस वक्त मामलात मुसलमानों से रिलेटेड चल रहे हैं उसको लेकर के डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का खिताब होगा. ऐसा लगता है कि एक शोशा सा छोड़ा गया है, या कहूं कि मुसलमानों का एक लिटमस टेस्ट किया जा रहा है, खास तौर से वक्फ बिल को ला करके. क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या फिर ज़बरदस्ती इस तरह के बिल ला करके ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों का ज़ाब्ता कितना है, और फिर
रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा जायदादें हैं तो वो वक्फ की हैं। इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहां जहां वक्फ लैंड हैं, औकाफ की जायदादें हैं, वहां कभी LNDO का, कभी DDA का, कभी MCD का, कभी किसी का बोर्ड लग जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, जगह वक्फ की होती है और लोग सिर्फ कहते रह जाते हैं कि ये जगह वक्फ की है, कुछ नहीं होता। सरकार, पुलिस और तमाम संगीनों के साए में जगहें खाली करा ली जाती हैं, बस्ती की बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, बुलडोज करने के बाद उस वक्फ की जगह को हथिया लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। तो कहीं सरकार की जो नियत है उसके अंदर कोई खोट तो नहीं इस बिल को लाने के बाद। सुनिए डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद को। अब आप देखिए, जो वक्फ का कानून निकला है ना, एक वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल JPC में चला गया है वो संशोधन के लिए। तो वक्फ तरमीमी बिल क्या है? जमीन हड़प लो, सारी मुसलमानों की जो औकाफ की जमीन है हड़प लो, सब छीन लो। भाई देखिए, वक्फ कौन करता है? मुसलमान करता है ना, किसी और मजहब में तो वक्फ है नहीं। मुसलमान मजहब इस्लाम में वक्फ है। वक्फ का मतलब यह है कि आपने अपनी जमीन, अपना जायदाद, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी अल्लाह के लिए, कि भाई इसका जो फायदा है वो मदरसे को पहुंचे या मस्जिद को पहुंचे या गरीबों को पहुंचे। जब आदमी वक्फ कर देता है ना वो जगह, उसका मालिक अल्लाह होता है, कोई मालिक नहीं होता दूसरा। तो वक्फ कौन करता है? मुसलमान। किसके लिए करता है? मुसलमान के लिए। तो जो हम वक्फ, हमारे औकाफ है भाई, मुसलमान ने वक्फ करा, मुसलमान के लिए करा। अब लोग चाहते हैं कि उस पर कब्जा कर लें। बहुत सारी औकाफ की जमीन है जिसपे 5-star होटल बने हुए, बहुत सारी औकाफ की जमीन है जहां सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत सारी औकाफ की जगह है जहां पालम एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत सारी औकाफ की जगह है जहां मार्केटें बनी हुई है, बहुत सारे औकाफ की जगह है जहां आलीशान घर बने हुए। अब वक्फ बोर्ड यह कहता है कि आप हमारी जगह खाली करो, वक्फ की जगह है आप खाली करो, नहीं तो किराया दो। अब ये कहते हैं वक्फ बोर्ड की मजाल कैसे हुई कि बोलता है हमसे, बोलता है हमसे, कहता है खाली करो। तरमीमी बिल जो है ये वक्फ बोर्ड के पर कटरने के लिए है कि वक्फ बोर्ड फिर ये नहीं कह सकता मेरी जमीन खाली करो, वक्फ बोर्ड के पर कतर दो, वक्फ बोर्ड के इख्तियार खत्म कर दो, कलेक्टर बिठा दो वक्फ बोर्ड के ऊपर, कलेक्टर। वक्फ बोर्ड की बात नहीं चलेगी, वक्फ ट्रिब्यूनल, एक औकाफ की अदालत है जिसको कहा जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ तरमीमी बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएगा। यह भी एक तरह से औकाफ की जायदादें हड़प करने के लिए, छीनने के लिए। हम तो ये चाहते हैं जो शरीयत का हुक्म है ना भाई, औकाफ की जायदाद का इस्तेमाल वो होना चाहिए जो वाकिफ की मंशा है, जिसने वक्फ किया है उसकी मंशा के मुताबिक होना चाहिए। तो आजकल जो तरमीमी बिल आया है तो ये वाकया यह है कि मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी है, और वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमान हरगिज नहीं मंजूर करेंगे, नहीं मानेंगे। ये खुला धोखा है, खुली गद्दारी है। मुसलमानों की यतीम है, बेवा है, गरीब है, मुसलमान है, जो जरूरतमंद है, ये जगह उनकी है। तो औकाफ तो चाहे आप दिल्ली में बैठे बैठे बंबई के लिए कर दो, बंबई में बैठे बैठे आप लखनऊ के लिए कर दो, आप किसी भी जगह के लिए अपनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से वक्फ बोर्ड के भी पर कतर दो, और जो नाजायज कब्जे हैं, अब कब कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं भाई। 5-star होटल बना हुआ है, आप उससे कहें जाके हमारी जगह खाली करो, ये तरमीमी बिल आ रहा है कि तुम्हें कहने का हक ही नहीं है,
ये जगह तुम्हारी है ही नहीं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे बाप दादा की, ये हमारी जगह है। इस तरह तो हर मस्जिद, हर दरगाह, हर जगह को खतरा है। बहरहाल मैं तो यही चाहता हूं कि ये बिल वापस होना चाहिए और जो औकाफ के लिए जो वाकिफ की मंशा है उसी के मुताबिक सारा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशंस। लोग जो है वो हम पे उल्टा लव जिहाद का इल्जाम लगा देते हैं कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं। लव जिहाद का मतलब क्या उनकी नजर में? हालांकि जिहाद का लफ्ज का गलत इस्तेमाल है। जिहाद का मतलब ये है ही नहीं कि शादी करो या गैर औरतों से शादी करो। जिहाद का मतलब है अपने आप पर कंट्रोल करो, गुनाह से बचो। अब आप ये सोचिए कि मुसलमान, कोई मुसलमान घर ये नहीं चाहता कि कोई गैर मजहब की लड़की हमारे घर में आए, कोई नहीं चाहता। हमारा मजहब भी नहीं चाहता भाई, हमारे नबी का फरमान है शादी करो दीनदार लड़की से जो दीन को जानती हो, नमाज को जानती हो, कुरान को जानती हो, रमजानुल मुबारक के रोजों को जानती हो, दीन को समझती हो, उससे शादी करो। और हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे घर में अगर बहू आए तो हमारी दीनदार लड़की आई आए मुसलमान, ताकि अगर बच्चे पैदा हो तो पहला जो मदरसा है, पहला जो स्कूल है, माँ की गोद होती है। उल्टा लोग हम पे इल्जाम लगा देते लव जिहाद, लव जिहाद। मैंने देखा था उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून पर कुछ अभी नया कार्रवाई हुई है, बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि लव जिहाद का हमने कानून बना दिया, 1 साल उम्र कैद जो लव जिहाद करेगा अगर कोई मुसलमान लड़का, उम्र कैद। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम कहते हैं लड़का भटका क्यों, गया क्यों, जब गया तो सजा भुगतो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये चाहता ही नहीं। जैसे लैंड जिहाद, भाई जमीन का जिहाद, ये कहते हैं मुसलमान जो है दरगाहें बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, ये लैंड जिहाद करते हैं। लैंड का मतलब जमीन, अंग्रेजी का लफ्ज है, लैंड का मतलब जमीन, जमीन का जिहाद। यहाँ कब्र बना दो, वहां कब्र बना दो, यहाँ दरगाह बना दो, यहाँ मस्जिद बना लो, यहाँ मदरसा बना लो, ये सारी जगह हड़प करना चाह रहे हैं। झूठा इल्जाम। हमारा मजहब ये कहता है किसी गैर जगह पे नमाज भी नहीं पढ़ सकते आप। अगर किसी गैर आदमी की जगह है, बगैर उसकी इजाजत के आप चाहे नमाज पढ़ ले, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। किसी गैर जगह में या गैर खेत में जाके जमीन में बगैर मालिक की इजाजत के आप किसी अपने मैयत को दफन भी नहीं कर सकते। हमारा मजहब इस मामले में बहुत सख्त है। अगर किसी की कोई जायदाद दबा लेता है, कोई मकान दबा लेता है, कोई जमीन दबा लेता है, याद रखिए कयामत के दिन वो जमीन तौक बनाकर उसके गले में डाली जाएगी, सजा मिलेगी। कोई भी जमीन हो, किसी की जायदाद हो, किसी की प्रॉपर्टी हो, किसी ने मुकदमा लड़ा और जमीन किसी की हथिया ली, हमारा मजहब नहीं है। लेकिन लोग इल्जाम लगा देते हैं लैंड जिहाद, असल में पता नहीं ना उनको। बात तो वही है ना, जिन्होंने दीन को पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, दीन को जानते नहीं, वो तो यही उल्टी सीधी बातें करेंगे। भाई जिनको दीन आता ही नहीं, जिन्होंने दीन का लफ्ज ही नहीं सीखा, मजहब इस्लाम की शक्ल भी नहीं देखी, वो क्या जाने।